वेलकम टू बुनियाद क्लासेस। आई एम कपिल कुमार। आई विल बी योर फैकल्टी फॉर सिलेबस कंप्लीशन ऑफ सीएसआईआर नेट जीआरएफ। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम लीनियर अलजेब्रा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके, कितने यूनिट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, किस किस यूनिट में क्या क्या पोर्शन होगा। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए। तो मेनली लीनियर, हम अपना जो लीनियर अलजेब्रा है वो जनरली हम सिक्स चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर वन होगा चैप्टर वन में हम जो जो कवर करने वाले हैं वो मैं अभी लिख रहा हूं साथ के साथ। चैप्टर वन में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसके अलावा रैंक एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बोथ होमोजेनियस एज वेल एज नॉन होमोजेनियस, देन जो होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर स्पेसेस। Subspaces, linear dependence and independence of vectors, then basis and dimension, इसके अलावा row space and column space of matrices, null space of matrices, तो ये जो होंगे ये होंगे हमारे चैप्टर। इसके अलावा बेसिस एंड डायमेंशन भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये होंगे हमारे जो हम लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर टू में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद है चैप्टर थ्री, चैप्टर थ्री में हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिसेस,
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, दो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं, सिमिलर नहीं होती हैं, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे अबाउट द मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन होगा हमारा चैप्टर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस एज वेल एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Their properties, etc., etc. Diagonal forms, then Jordan canonical form, triangular forms of matrices, ये जो टॉपिक्स होंगे ये होंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। देन चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, इन शॉर्ट हम लिखेंगे IPS, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। एंड देन इज चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये है आपका लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सिलेबस, आप नोट कर सकते हैं अपने जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी फर्स्ट पेज पे। तो आपका जो लीनियर अलजेब्रा है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं सीएसआई या नेट जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 टू 60 मार्क्स का आता है। और ये जो टॉपिक होगा आपका दिस विल बी ए वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। ये आपका पेपर होगा जो आपको आपकी लड़ाई जो बीसीएसआई या नेट जेआरएफ के पेपर के साथ उसको जीतने में आपकी काफी हेल्प करेगा। बिकॉज इट विल इजीली अगर आप ये सारे टॉपिक्स हमारे रेगुलर क्लासेस रखते हैं तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि इजीली 30-35 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। और अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ये मार्क्स 40-45 तक भी जा सकते हैं। तो आई होप सभी ने टॉपिक्स क्या क्या हैं, किस किस चैप्टर में वो सब नोट कर लिए होंगे। नाउ आई विल डिस्कस विद सम बुक्स फॉर लीनियर अलजेब्रा। तो जो बुक्स होंगी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिनमें से आप कोई भी बुक उठा सकते हो, मैं काफी बुक्स बताऊंगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं जो आपको पहली बुक बताऊंगा वो होगी सॉन्ग आउटलाइन की लीनियर अलजेब्रा।
काफी सिंपल लैंग्वेज में बुक है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं लीनियर एलजेब्रा की प्रिपरेशन में देन यू शुड गो फॉर दिस बुक। आई होप क्लियर है। जो दूसरी बुक मैं आपको बोलूंगा दैट इज द लीनियर एलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन। डेविड सीले। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई बुक और बहुत अच्छी बुक, ज्योमेट्रिक वे में भी काफी चीजें समझा रखी हैं इसमें, ठीक है, बहुत बेसिक से उठा रखा है। जो तीसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट विल बी ए क्लासिकल एंड one of the best book is linear algebra by s Fredberg ए इंसेल, दूसरे ऑथर का जो नेम है ए इंसेल, एंड थर्ड ऑथर का जो नेम है इस बुक में दैट इज एल स्पेंस। शायद आई एम नॉट श्योर पीएसएन पब्लिकेशन की बुक मिलेगी ये। बिल्कुल क्लासिकल बुक, अच्छी एक्सरसाइज, सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज थोड़ी सी इन दो बुक्स से थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, बट काफी अच्छी एक्सरसाइज और काफी अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स लीनियर अलजेब्रा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है लीनियर अलजेब्रा का देन यू शुड श्योरली गो फॉर दिस बुक, ठीक है। देन द फोर्थ बुक आई विल रिकमेंड इज लीनियर अलजेब्रा के होफमैन आर कुंजे। अगर मैं इसे बाइबल ऑफ लीनियर अलजेब्रा बोल दूं तो शायद ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी इस बुक के लिए, बेस्ट बुक, बट इश्यू हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इसके लैंग्वेज और जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लीनियर अलजेब्रा यू कैन गो फॉर दिस बुक, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसके अलावा दो बुक्स और हैं जो इंडियन ऑथर्स के, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं सर कोई इंडियन ऑथर की बुक बताओ, तो इंडियन ऑथर में मैं आपको जो दो बुक्स रिकमेंड करूंगा दैट विल बी द बुक नंबर 5 इज योर लीनियर अलजेब्रा बाय विवेक सहाय एंड विकास बिस्ट, नरोसा पब्लिकेशन की है। और जो दूसरी बुक है दैट इज लीनियर अलजेब्रा अ ज्योमेट्रिक अप्रोच बाय एस कुमारेसन।
आप दोनों में से किसी बुक के साथ जा सकते हैं। बट अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि सर इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। मैं कहूंगा नहीं, अभी आपके पास 6 महीने, मैं ये बुक्स दे रहा हूँ आपको लाइफ टाइम के लिए। लिनियर अलजेब्रा अच्छा करना है तो यू शुड गो फॉर दिस बुक्स। तो अभी तो हमें 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना है ना भाई, तो उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा बी रेगुलर इन माई क्लासेस एंड पिक योर ऑन बुक। कोई एक बुक पढ़ो, साथ के साथ वो पढ़ते रहो। उससे क्या होगा कि क्लास के कंसेप्ट हैं और बेटर समझ में आएंगे। अब वो एक बुक कौन सी होगी, अगर आप बिगिनर हैं तो इन दोनों में से कोई एक बुक उठा सकते हैं, सॉम आउटलाइन या फिर डेविड सीले। थोड़ा बहुत लेनियर अलजेब्रा आता है तो इन दोनों में से कोई एक बुक उठा सकते हैं। इंडियन ऑथर पसंद है थोड़ा बहुत लेनियर अलजेब्रा, ठीक ठाक के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो विवेक सहाय, बिल्कुल बेसिक से समझना है देन एस कुमारेसन, ठीक है, इंडियन ऑथर्स के लिए जाना है। तो इंडियन ऑथर अगर आप बिगिनर हैं तो नंबर 6, नंबर 1 और नंबर 2 में से कोई एक बुक पर उठा सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ लीनियर अलजेब्रा मुझे आता है, देन यू शुड गो फॉर आइदर बुक नंबर 5 और 3 और 4, कोई एक बुक उठाएं आप। अब वो एक कौन से उठाएं, तो मेरे हिसाब से लगभग सारी बुक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा कीजिए कोई एक चैप्टर शुरू कीजिए, स्टार्टिंग में शुरू के 8-10 पेज पढ़ के देखिए हर बुक से, जिसकी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो जाए, जिसमें लगे कि हाँ इसके साथ मैं फ्लो कर सकता हूं, गो फॉर दैट बुक स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी, देन अगर हार्ड कॉपी परचेज करनी है तो फिर देन गो फॉर द बुक जो आपको पढ़नी है। तो पहले एक बार ये आइडिया लेने के लिए शुरुआत में कौन सी पढ़नी है, आप एक बार सॉफ्ट कॉपी से 5-6 पेज पढ़ के देख लीजिए सभी, ठीक है। तो दिस वॉज द अबाउट द कोर्स चैप्टर्स एंड बुक्स। तो अब कोर्स स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर इक्वेशंस। ओके।